हेलो, तो मैं इस वक्त रामपुर बुशहर बस स्टैंड में, या पीछे देख सकते हो बस स्टैंड है मेरे पीछे। थोड़ी देर में मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ किन्नौर के लिए। नमस्ते, मेरा नाम है सुंदर सिंह और आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश की बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेके जाने वाला हूँ और उस खूबसूरत जगह का नाम है कल्पा। रामपुर बुशहर से कल्पा की दूरी लगभग 105 किलोमीटर है और मैं ये पूरा सफर बस से तय करने वाला हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको रामपुर बुशहर से कल्पा के बीच में आने वाली सभी खूबसूरत जगहों को दिखाऊंगा जहाँ पर रुककर आप प्रकृति को बिल्कुल नजदीक से महसूस कर सकते हैं। मैं रिकांगपियो जाने वाली एक लोकल बस में बैठ गया हूँ और मेरा सफर रामपुर से शुरू हो चुका है। मैं कल्पा में एक खास व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जिनका नाम है श्री श्याम सरन नेगी। तो इस सफर में मजा बहुत आने वाला है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हम पहुंच गए हैं झाकड़ी, ये रामपुर बुशहर के बाद पहला स्टेशन है और यहाँ पर स्थित है देश के सबसे बड़े पावर प्लांट में से एक नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना 1500 मेगावाट। यहाँ से हिमाचल प्रदेश और कई अन्य राज्यों में बिजली आपूर्ति की जाती है। यहाँ से नीचे की ओर सतलुज नदी के किनारे स्थित है नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन। झाकड़ी से आगे निकलने के बाद अगला स्टेशन आता है ज्योरी। यहाँ पर बसें थोड़ी देर चाय पानी के लिए रुकती हैं और यहाँ से एक रोड सरान के लिए जाता है। सरान यहाँ से ऊपर की तरफ 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सरान में माता भीमा काली का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ से ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधे सरान दिखता है। ज्योरी में ही स्थित है हॉट वाटर स्प्रिंग यानी गर्म पानी का चश्मा। ज्योरी चौक से थोड़ा सा आगे निकल के एक खूबसूरत मंदिर है जहाँ पर स्थित है गर्म पानी का चश्मा। तो अभी हम पहुंच गए किन्नौर बॉर्डर में। यहाँ से किन्नौर की सीमा शुरू होती है। यहाँ से आगे रास्ता बहुत ही खतरनाक हो जाता है, रोड बहुत ही कंजस्टेड है। यहाँ से आगे का लगभग सारा रोड पत्थर को काट के बनाया गया है और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का। इस जगह में पत्थर को काट के रोड बिल्कुल बीच से निकाला गया है। इसको क्रॉस करने के बाद थोड़ी ही दूरी पर एक गांव है, गांव का नाम है निगुलसरी। निगुलसेरी से थोड़ा आगे निकलने के बाद माता त्रांडा का खूबसूरत मंदिर है। यहाँ से गुजरने वाली हर एक गाड़ी यहाँ पर रुकती है और माता से प्रार्थना करते हैं उनका आगे का सफर अच्छा रहे, क्योंकि यहाँ से आगे का रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है और रोड बहुत ही कंजस्टेड हो जाता है यहाँ से आगे।
तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं नाथपा डैम। तो अभी हम पहुंच गए हैं वांगतू। यहाँ पर बसपा 2 300 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। वांगतू को क्रॉस करने के बाद हमें सामना करना पड़ा पागल नाले का। जी हाँ, पागल नाला। यहाँ पर दलदल भरा फ्लड कब आ जाए कोई पता नहीं लगता। ये अपने साथ रेतीली मिट्टी और पत्थर बहा कर लेके आता है। ये कहाँ से आता है और कब आता है इसका आज तक किसी को पता नहीं लगा है, इसलिए इसका नाम लोगों ने पागल नाला रख दिया। हमारे यहाँ पहुँचने से लगभग आधे घंटे पहले ये शुरू हो चुका था और अब हमें इंतज़ार करना था इसके रुकने का और फिर उसके बाद रोड साफ होने का। तो फाइनली लगभग 1.5 घंटा बीतने के बाद फ्लड रुक चुका है और बहुत लंबा जाम भी लग चुका है दोनों तरफ से। अब इसके बाद बुलडोज़र रोड को क्लियर करेगा। तो अब बुलडोज़र ने काम शुरू कर दिया है, रोड को साफ करना शुरू कर रहा है बुलडोज़र। अभी एक और बुलडोज़र पहुंच गया है, रोड को जल्दी से जल्दी खोला जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। फाइनली 2 घंटे के बाद रोड खुल गया और हम यहाँ से निकल रहे हैं अब। पागल नाला क्रॉस करने के बाद अब हम पहुँच गए, अगला स्टेशन है टापरी।
तो टापरी के बाद अगला स्टेशन आता है कड़छम। यहाँ से एक रास्ता पुल क्रॉस करके सांगला की तरफ को जाता है और एक रास्ता सीधा ही रिकोंगपियो की तरफ जाता है। यहाँ पर कड़छम वांगतू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 1000 मेगावाट बसपा 1 और 2 के लिए डैम बनाया गया है। कड़छम डैम को क्रॉस करने के बाद अभी हम क्रॉस कर रहे हैं शोंगटोंग ब्रिज। तो अभी हम पुआरी कैंची को क्रॉस करके रिकोंगपियो की तरफ निकल चुके हैं। पुआरी कैंची से एक रास्ता सीधा लाहौल स्पीति की तरफ जाता है और एक रास्ता रिकोंगपियो की तरफ को जाता है। और अभी हम रिकोंगपियो वाले रास्ते में आगे की तरफ निकल रहे हैं और हल्का हल्का अंधेरा होना भी शुरू हो चुका है और शाम के वक्त का बर्फीले पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। थोड़ी देर में ही हम रिकोंगपियो पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली अंधेरा होते होते हम लोग रिकोंगपियो में पहुंच चुके हैं और ये है रिकोंगपियो का मेन बाजार और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर को जाके बस स्टैंड है। आज मैं यहाँ रिकोंगपियो में अपने एक रिलेटिव के घर रुकूंगा, वो मुझे लेने अभी रिकोंगपियो बस स्टैंड में आएंगे और कल सुबह मैं यहाँ से कल्पा के लिए निकलूँगा। कल्पा यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं कल सुबह श्याम सरन नेगी जी से भी मिलूँगा, उनसे बात करूँगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो चिट चैट विद श्याम सरन नेगी जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।